नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जनपद संभल के ग्राम माओभूट के इमाम का बयान है कि ईद पर कुर्बानी देना वाजिब। जनपद संभल के पासवा विकास खंड में स्थित ग्राम माओभूट की मस्जिद के इमाम उस मोहम्मद का बयान आया है कि बकरा ईद पर की जाने वाली कुर्बानी वाजिब है और हजरत के गनी को तो कुर्बानी करनी ही करनी है। वहीं मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जोहर के प्रबंधक फिरोज खान का कहना है कि ईद पर कुरान और शरीयत के अनुसार गाय और गवाशी पशुओं की कुर्बानी ना करें, क्योंकि इससे हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। आपके बाजार में कितने बकरे आते होंगे? बकरे बकरे में आज तो ना, आज तो 10-15 यार। 10-15 तो कितनी कीमत तक के बकरे आए अब तक? कीमत का साहब मतलब 20,000 का भी आवे, 10 वाला भी आवे, 5 वाला भी आवे, 25 वाला भी आवे, सभी तरह का आवे। और इस महंगा से महंगा कितनी कीमत तक बिक गया है? 1 लाख का बिक गया है। 1 लाख का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौस मोहम्मद। कौस मोहम्मद, कौन सी मस्जिद में हो आप? यहाँ मैं जामा मस्जिद माओभूड़ में। ये बकरा ईद होती है मुसलमानों में, आप क्या संदेश देना चाहते हो? जी, बकरा ईद जो होती है वो इसलिए होती है कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। हल्के जी तेज जब देखा ख्वाब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अल्लाह के नबी जो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, उन्होंने इस्तिग़फ़ार में इजाफ़ा कर दिया और इबादत बढ़ा दी। और फिर दूसरी रात फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। फिर अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को लिया और जंगल की तरफ रवाना हुए, और एक बियाबान जंगल में पहुंचने के बाद अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने ऐसे ऐसा ख्वाब देखा, अब इसमें बता तेरी क्या राय है। तो अल्लाह के जो नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, आपको जिसका हुक्म मिला है आप कर डालिए। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार किया, और तैयार करने के बाद गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन कुर्बानी हज़रत इस्माईल अली सलातो वसलाम की नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला अपने खलील से इम्तहान लेना चाहता था। और अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील के ज़रिए एक दुम्बा भेजा और इस्माईल को वहाँ से निकाला। तब से ही हम हज़रत इब्राहिम अली सलातो वसलाम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह कयामत तक करते रहेंगे। तो मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मुसलमानों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बकरीद के मौके पर मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखें, मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता है कि बकरा ईद पर जो कुर्बानी दी जाती है वो अल्लाह तबारक ताला की रजा के लिए दी जाती है। तो मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहना चाहेगा कि हाकम वक्त की इत्तबा करते हुए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करें, गाय गौवंशीय पशुओं की कुर्बानी ना करें, जिससे हमारे भारतवासी हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाएँ उनके मजहब के एतबार से आहत होती हों, उनका दिल दुखता है और मुल्क में अमन चैन को खतरा है, सांप्रदायिक दंगे फैलने का भी खतरा रहता है। इसलिए कुरान और शरीयत की रोशनी में ही कुर्बानी करें, क्योंकि गाय का हत्या हमारे मुल्क के कानून में अपराध है, और कुरान और शरीयत भी हुक्म देता है कि हक़ में वक्त में हाकिम की इत्तबा करिएगा, जिसमें मासियत अल्लाह ताला की ना फरमानी ना हो। कुरान और शरीयत की रोशनी में ही कुर्बानी करें, गाय गौवंशीय पशुओं की कुर्बानी मुसलमान भाई नहीं करें।